और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज चैनल। करते हैं आज की शुरुआत कुछ ताज़ातरीन खबरें। बलात्कारी सलीम खान सत खान को फांसी देने की मांग को लेकर नारी शक्ति ने निकाली भव्य रैली। बरगाड़ में समस्त मातृशक्ति एवं नगर में संचालित सभी स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने निकाली रैली। बरगाड़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बमहोड़ी में 14 नवंबर को 13 वर्षीय नाबालिग छात्र के साथ बलात्कार की घटना घटित हुई। इस संबंध में आज क्षेत्र की सर्वा मातृशक्ति ने रैली निकालकर आरोपी को फांसी देने की मांग एवं निम्न मांगों की पूर्ति किए जाने लेकर SDM महोदय एवं थाना प्रभारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। नगर परिषद बालाघाट सभा मंच से रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय तक सर्वा मातृशक्ति के द्वारा निकाली गई। रैली में सलीम खान को शीघ्र अतिशीघ्र फांसी की सजा दिलाने मांग को लेकर नारे लगाते हुए मातृशक्ति छात्र छात्राएं तहसील कार्यालय पहुंची। इस रैली में पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेरिया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गोपनी ठाकुर, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उर्मिला उइके, श्रीमती निशा नाग, नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती इमरा साहू, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्रीमती किरण टेमरे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य विमला वरकड़े, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आभा रामडाले, संध्या कोकोरिया, सरिता सूर्यवंशी, नगर पंचायत बरगाट की उपाध्यक्ष ममता अनिल पाठक, महिला मोर्चा की महामंत्री भारती विनोद रजक, डॉक्टर सूत्री प्रज्ञा सूर्यवंशी, रानी बघेले, बिंदु बघेले, कविता शर्मा, पूर्व सरपंच लता पटले एवं अन्य सभी ग्राम के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बरगाट से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए आशीष की रिपोर्ट। सलीम खान पिता सत्तार खान की एवं उसके परिवारजनों की संपत्ति कुर्क की जाए। तीसरा, बलात्कारी सलीम खान पिता सत्तार खान एवं उसके परिवारजनों को मिल रहे शासन की गरीब कल्याण योजनाओं के लाभ से तत्काल बंद किया जावे। चौथा, पीड़ित परिवार को शासन की सभी गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ दिलाया जावे। पांचवा, पीड़ित परिवार को 50 लाख की सहायता राशि प्रदान की जावे। पीड़ित बालिका को निःशुल्क शिक्षा या उच्च शिक्षा या स्वास्थ्य की व्यवस्था की जावे। सातवा, पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जावे। आठवा, पीड़ित बालिका की शिक्षा पूर्ण होने पर बालिका को सरकारी नौकरी दी जावे। नौवा, संचालित की जा रही सभी कोचिंग सेंटरों का समय 7 बजे के पश्चात आरंभ किया जाए। अभी ये होता है 5:30 6:00।